जी नाजरीन असा इन वक्त चंगशाई वेझो गोठ मुगर खान पलीजो में मौजूद आयो जिते अवामी तहरीक के सरबराह एशिया के डाहे मुदबर दानश्वर रसूल भाई पलीजो की छई वर्सी मल्हाई पी वे उन सिलसिले में एक अजीम शान जलसे जो एहतमाम भी किया वो है अचो तो जलसे आम में शिरकत कर गाल बोल करूँ तसंद चवण है न फकत सिंध के टिन नसल की इल्मी अदबी तरबियत कई हुई सियासी तरबियत कई पर पलीजिस्तान पलीज साहब पूरे पाकिस्तान के नसल की तरबियत कई। पलीज साहब अड़ो इदारो हो जो वे में वो वसी गहरो समत इल्म अदारो इन इल्म के इदारे में हजारे शागिर्द तरबियत हासिल कर हजारे ओटू पलीज साहब वे में वो कारनामो सिंधियाई तहरीक है जो एशिया की वे में वही तंजीम है। पलीज साहब एक मजरूम ए महकूम तबकन के उन खुशहाली ला उन गर्जन ला पलीज साहब तमाम घड़ी कोशिश क्यों हजारे गाल उन जेल काटिया कुर्बानी दिन निंड न कई खाई पेट को भरे आज पेल आए महाजन से बंध कया सिंध के गजन ला सिंध की खुशहाली ला सिंध की इज्जत ला जमीन वालारू भी जमीन लूट खसूर भी थे मैदनी वसीला पे खर्चन सिंध से जुलम पे थे करबला पे थे सिंध के न्याय से सिंध के मांग से सिंध महंगाई आटी टोड़ा मानू खुदकशियों पा कन यो जो जुल्म उन खिलाफ सिंधी अवाम बाशोर अवाम बाजमीर अवाम के उधर खपे साथ दियण खपे बिल्कुल ठीक है इन अस पैगाम था दूँ तो अचो बधी करो वेछा विसारो मुनजम थो असाथ दियो अवामी तरीके से तो असा दड़ियों दंग असा हक असी जमीनों असा सब हासिल करूँ असे इदार पाक करूँ करप्शन का पाक करूँ अस बिल्कुल की मौजम इज्जत वाली कौम लिख जण में चो मैं स्पेशली जिंदगी ते गालायो है इस्लामाबाद से आया हूं आऊं सिर्फ चंद गाली में मैं अपने साथी हकीकत में अपने दोस्त अपने रहनुमा अपने कायद अपने दानिश्वर लीडर इंटेलेक्चुअल सोलमेट और जिगरी यार रसूल बख्श पलीजो साहब को सलाम पेश करने उनसे मेरे बहुत पुराने मरासस से वो मैं 1983 में जब आया था जब एजिटेशन थी एमआरडी की उसमें अवामी तहरीक का क्लीदी किरदार था सिंधियानी तहरीक हारी तहरीक सिंधी शागिर तहरीक मैं हैदराबाद में मिला आलम शाह साहब को उन्होंने पल्ला भी खिलाया और अंडरग्राउंड थे और रसूल बख्श पलीजो साहब कोट लखपत जेल लाहौर में थे तो पहली दफा अवामी तहरीक के बारे में आर्टिकल छिपे मुस्लिम अखबार में और जो पूरी पाकिस्तान में अंग्रेजी में उर्दू में सिंधी में प्रेशर हुआ तो उसके बाद मेरी पलीजो साहब से बड़ी यारी दोस्ती हो गई। उनका कैद ना हक था उनके रिहाई के लिए मैंने कोशिश भी की और वैसे भी जमीर के कैदी थे एमनेस्टी के मुताबिक और फिर उनको रिहा भी कर दिया गया। मेरी शादी में भी शरीक हुए थे वो और आमरियत के खिलाफ जागीरदारी के खिलाफ साम्राज्य के खिलाफ उन्होंने जद्दोजहद की और वो जब भी मैं मिलता तो हमारी चाइना के बारे में बड़ी लंबी डिस्कशन होती है चेयरमैन माओ के बारे में चाइनीज रेवोल्यूशन के बारे में और अगर आज वो जिंदा होते तो बड़े खुश होते क्योंकि उनका जो विजन है उनकी जो सोच है उनका जो नजरिया है साम्राज्य के बारे में पार्टी के बारे में
जागीरदारी के बारे में वो सब जवाल पर सब जा सब दमन और हम उनकी याद को ताजा रखेंगे। अजीम रहनुमा तो हम उनको सुर्ख सलाम पेश करते हैं। सिंध जो लाहू मानू हो बहादुर मानू हो जरी मानू हो वो दानश्वर हो वो स्कॉलर हो सी दुनिया की जान रख सिंध की जान रखी सिंध के कुंड कुर्स की जान रख हर दुख को हर मसले को हर तकलीफ को वाकिफ हो मान से गंढी रो सदाई मान से गंढो रो कदा भी अड़ो वक्त ना आयो तो परेज साहब मान को धार थी बीठो हो मान जदा भी कें दुख में हूं कें कार में हूं कें मुसीबत में हूं कहीं परेशानी में हूं पली साहब मौजूद जिते मुसीबत जिते मसलो पली साहब मौजूद पली साहब हर हालत में माना से गड रो है पली साहब मजदूर से गड रो है मेहनत कशन से गड रो है हरियन से गड रो है भेनर से गड रो है उन सिंध में सिंध की सिंधियानी के शौ दिनों है वो सजी सिंध को बाकी सजे खिते में अगते बढ़ल है हालतों में परे साहब की फिक्र मान की रहनुमाई करे थी इतने मानू जो परे साहब की रहनुमाई जो हमेशा मुतमनी रहा हमेशा उनको रहनुमाई वा परेज साहब अज भी रहनुमाई करे पो हजार लखन मानू जा इतमा ये बुधाए तो परेज साहब अज भी इन गड है। पलीजो साहब को अपना सलाम पेश करने आई हूँ। ये छठी बरसी है पलीजो साहब की और ये पिछले 5 साल से मैं लगातार यहाँ आ रही हूँ। हमेशा मैं उनकी बरसी पे मौजूद रही हूँ। कराची में भी जब उन पर प्रोग्राम किया था तो मैंने वहाँ पे किया था। तो मैं ये समझती हूँ कि पलीजो साहब जो हैं वो एक अनोखे किस्म के शख्स थे, एक अनोखे किस्म के सियासतदान थे जिन्होंने आम इंसान की सियासत वो उन्होंने सामने रखी और जो प्रिविलेज तबका है उनसे हट करके उन्होंने सियासत की। उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि मैं सिर्फ फ्यूडल वो फ्यूडलिज्म के ख़िलाफ़ रहे वो जुल्म के ख़िलाफ़ रहे। उन्होंने हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। तो मैं उनको सुर सलाम देती हूँ और मैं आज अपना फन उनके लिए पेश करने आई जी। वर्सी जगह भी ना ये नज़र इंदो तो ही कोई जलसो ना है पर हे रसूल बख्श पली जो वजूद है वो ही नज़्म ज़ब्त वो ही इंकलाबी जोश वो ही इंकलाबी गालियों बुनियादी सवालन ते गुफ्तगु मां समझाऊं तो पली साहब गैर मामूली मानू हो गैर मामूली सूं हो जै एक हयाती में सवे हयातिन जितरो कम कयो हुन पंहिंजी जिंदगी उन आलमी आदर्शन के सामू रखंदे सदी इंसान जात की निजात के आदर्श सामू रखे सिंध मुल्क के मजलूम तबक मजलूम कौमन समूर मजलूम हिस्सों की निजात लाए वक्फ कई। मां समझा तो पलीजो साहब एडो वो सूह आ सिंध की तारीख जो जदीद सिंध जो जो उनके मौत के का अहमियत को असल अहमियत उनके हयाती के उनके जिंदगी के उनके कल पोरे के छल विरसे के पलीजो साहब जी पे हयाती में रोशन जो उत्साह जो एकड़ो मीनार हो पे मोए का भी वफात का वो इं समाज की रहबरी रहनुमाई कर रो विरसे से
जे असाजे कायद मोहतरम रसूल बख्श पलीजे साहब जे छहीं वर्सी जे मौके ते सजे मुल्क मजा मानू आया आन सजी सिंध मजा हारी शागिर्द हुआ दोस्त आया आन ए मुख्तलिफ सियासी समाजी अगवान आया आन असाजे पंजे कायद ते फखुर है वडे मां वडो एज़ाज यो है असाजे लाए सजी कौम जे लाए मजलूम मानू जे लाए त रसूल बख्श पलीजो साहब हो एकड़ो मानू पर हुन एकड़े फर्ज जेत्रो एकड़े इदारे जेत्रो कम कयो है हु एकड़ो सियासतदान बो नकाद बो शायर बो कहानीकार बो तर्जमे निगार बो तमाम घणो कम कयो है बी वडी गाल त रसूल बख्श पलीजो साहब हेठे तबके के गड कयो हारन के मजदूरन के ए खास करे सिंधी औरतन के हुन गड कयो हुन जो वडो कारनामो है ए रसूल बख्श पलीजो वो सियासतदान हो जे कलम सा गड लिखण सा गडो गड हुन अमली जदोजहद कई गोठ गोठ वो सिंध जो वो गोठ ना है जैमें रसूल बख्श पलीजो साहब न वो अज ही सिंध जो शऊर उन जो सबूत है तो इतने उ हजारे मानू अज गड थे कायद के खराज तस्वीर पेश कर पलीजो साहब जदोजहद तारीख उनकी है समाज के हर शोबे के अंदर उनकी छाप है मजदूर होजन हारी होजन शागिर्द होजन औरतू अदीब होजन वकील हुजन तो हुन जो हर शोबे के तमाम वॾो असर आयो आहे साम्राज्य के किथे को साउथ एशिया के अंदर को दुख वक्त आने सकते रुगो सिंध सतह से न पाकिस्तान सतह से एशिया के सतह से या दुनिया में जी गजल तहरीकू आज लेफ्ट जो रोशन ख्याल जो तरक्की पसंदी जो उन्होंने लीडर उन्होंने रहनुमा उन्होंने वर्सी है छह वर्सी सत जून से वर्सी भी है सालग्रह भी है यो सीधी सही गाल है अड़ा किरदार शख्सत मरी सकनता फर्द मरी सकनता के मुआशरा मरी वेंदा आहिनि पर रसूल बख्श पलीजे जड़ा इनकलाबी किरदार जेके आहिनि उहे कदें मरी नज़र सकनि त इहे तव्हांखे जेको हिते नज़ारो नज़र अचे थो माण्हुनि में जोश जज़्बो आहे कहिड़ो वर्सीअ जो मौक़ो आहे पर ॼण त हुनजो जनम ॾींहं जो मौक़ो आहे मौजूदा हालतुनि में सिंध जी हालतुनि जो ज़िक्र करियूं या पाकिस्तान जी हालतुनि जो ज़िक्र करियूं त हुन में रसूल बख्श पलीजे साहिब जो किरदारु हुनजो फ़िक्र हुनजो कमु हुनजी पॉलिटिक्स हुनजो सॼो कोरियो जेको आहे वधीक अयां थियो आहे वधिक चिटो थियो आहे वधिक वाज़े थियो सियासी वारे दौर में जॾहिं ज़िया जो कारो अमृत वारो दौर जो हुन दौर में पलीजो साहिब सिंधियाणी तरीक़े बुनियादु वरितो ऐं जे तमामु वॾा कारनामा कया जंहिंमें पलीजो साहिब जेके कालाबाग डैम ख़िलाफ़ जिदोजहद वन यूनिट ख़िलाफ़ जिदोजहद ॿियूं पंज वॾियूं लॉन्ग मार्चिस कयूं ऐं सिंध जे हर नंढे वॾे इशूज़ ते पलीजो साहिब पंहिंजो अवामी तहरीक पंहिंजे कारकुननि समेत जिदोजहद जे मैदान में रहियो ऐं हुनजे भई पुञाणा अॼु बि अवामी तहरीक ऐं हुनजा जेके ब्रादर महाज़ आहिनि से सिंध जे वजूद ऐं वसीलनि जे लाइ हर वक़्तु जिदोजहद जे मैदान में सरगरम आहिनि असीं पलीजो साहिब जी हिन वर्सी ते हुनजे बेमिसाल कारनामनि जे लाइ ऐं हुन सां पंहिंजी मोहबत जो इज़हार करण जे लाइ असीं खे ख़िराज तहसीन पेश करणु आया आहियूं असांजे क़ाइद जी छहीं वर्सी आहे पर असीं हुनखे सुर्ख सलाम था पेश करियूं ऐं पंहिंजे क़ाइद खे भेटा पेश करण लाइ हिते गॾिजूं ऐं उन सां इहो वचन करणु आयो त जेका ज़िमेदारी तव्हां असां ते रखी ऐं सिंधियाणी तरीक़े ते रखी अवामी तरीक़े ते रखी ऐं उहो पुरजोश ऐं ज़ोर शोर सां उनजे रसियल वाट ते हलंदा रहंदासीं इहे सभु खे असीं सुर्ख सलाम पेश कयूं था हुनजे कयल ज़िंदगी जे जदोजहद ते पलीजो साहिबु उहो इंसानु हुयो जंहिं न सिर्फ़ु सिंध हिन मुल्क ऐं सॼी दुनिया जे मज़लूम माण्हुनि लाइ आवाज़ उथारियो उन में हारी हुजनि उन में मज़दूर हुजनि उन्हनि में औरतूं हुजनि ॿार हुजनि उन सभिनी जे मसलनि खे न सिर्फ़ु महसूसु कयो बल्कि उन ते जदोजहद कयईं ऐं रुगी ख़ाली पाण जदोजहद न कयईं उन्हनि माण्हुनि खे चयो त तव्हां पाण उथी बीहो तव्हां पाण जदोजहद कयो ज़िया जे कहिड़े मार्शल लॉ में पलीजो साहिब सिंध न सिर्फ़ु सिंधी माण्हुनि खे बल्कि पाकिस्तान जे जमहूरियत पसंदि माण्हुनि खे गॾु कयो त उथो हीउ मार्शल लॉ इहो सिर्फ़ु एॾो को जंहिंजो नालो आहे उहो एॾी कोन्हे ताक़तवर जेको आहे उहो आवाम आहे ऐं आवाम घरनि मां निकिरंदो त हीउ मार्शल लॉ कुझु कोन्हे पोइ तव्हां ॾिठो पलीजो साहिब जी क़यादत में एम आर डी तहरीक जुड़ी ऐं एम आर डी तहरीक जेको जदोजहद कई जंहिंमें सिंधियाणी तहरीक जूं 30-35 भेणनि गिरफ़्तारियूं ॾिनियूं उन टाइम में
ऐं पोइ तव्हां ॾिठो ज़िया कमज़ोर थियो, ज़िया वियो ऐं लूली लंगड़ी अंधी मंडी वरी जमहूरियत जेको आहे सो बहाल थी, उनजो वॾे में वॾो क्रेडिट रसूल बख़्श पलीजे खे थो वञे। सिंध जे अपर सिंध खे हिकिड़ो धाड़ेल हवाले कयो वियो आहे, ऐं सम्झां थो त सिंध जे अंदरि पलीजो साहिबु ऐं सिंध जे समूरनि वतन दोस्त ऐं क़ौम परस्त धुरियुनि खे गॾिजी हिकिड़ी मुतहरिक रोल मॉडल करे सैयद खे ऐं साईं रसूल बख़्श पलीजो साहिब खे हिकिड़ी ख़िलाफ़ जुदोजहद करणु खपे। अॼु छहीं वर्सी आहे, असीं सम्झूं था रसूल बख़्श पलीजो उहो माण्हू हुयो जंहिं लाइ लतीफ़ जो शहर आहे, कोड़े कयाऊं तुंहिंजूं लिखनि लख हज़ार जीव सभु जीव सी दर्शन धारो धार प्रियम तुंहिंजा पार कहिड़ा चई कहिड़ा चई। रसूल बख़्श पलीजे अवामी तहरीक छा आहे, ग़रीब अवाम हारी मज़दूर जी ॻाल्हि कई, इहो बि पहिरियों दफ़ो थियो, ऐं सिंधी क़ौम जे हक़नि लाइ हुन जदोजहद कई, सालनि जा साल जेल काटिया, पंहिंजो सघारो आवाज़ उथारियो जॾहिं इंसाफ़ जी बहाली जी तहरीक बि हले पाकिस्तान में, उन में अवामी तहरीक ऐं सिंधियाणी तहरीक मैदान में हुई। रसूल पलीजो जेलनि में वियो, उन तमामु घणा किताब लिखिया, उनजो फिक्री ऐं जेको अमल हुयो, जेको इल्मु हुयो, जेको उनजो मुतहरक किरदारु हुयो, उनखे सिंध सदन ताईं यादि रखंदी ऐं उहो मज़लूम क़ौमुनि जो हिकिड़ो सदु सगारो ऐं बुलंद आवाज़ साहिब जी छहीं वर्सी आहे। ही सॼो मेड़ ॾिसी करे इंतिहाई ख़ुशी महसूसु थी रही आहे त हिते जेको बि फ़र्द आयो आहे, जंहिं बि तनज़ीम सां वाबस्तगी आहे, उन हर हिक जे दिमाग़ में रसूल बख़्श पलीजो वसे थो। पाण खे ख़ुशी थी रही आहे त हिकिड़ो यगानो किरदारु, हिकु अहिड़ो किरदारु जंहिं पाण पतोड़ियो सॼी उमिरि ऐं सिंधी क़ौम खे हिकु करण लाइ जाखोड़ कई, उन्हनि जे मसलनि खे हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते खणी अची सबूरनि सिंधियुनि खे गॾु करे नियाणियुनि खे, ॿारनि खे, औरतुनि खे, भाइरनि खे, हर तबिके खे, हिंदू हुजे, मुसलमान हुजे, क्रिश्चन हुजे, कंहिं बि फ़िरके सां तालुक़ु रखे थो, हिकिड़ी छत जेठा हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते जेकॾहिं कोई मुनज़िम थी करे पंहिंजी क़ौम, पंहिंजे वतन, पंहिंजी धरती, पंहिंजे दरिया, पंहिंजे वसीलनि जे लाइ विढ़े थो, त उहो प्लेटफॉर्म आहे अवामी तहरीक, जेको रसूल बख़्श पली जे तोहफ़ो ॾिनो सिंधी क़ौम खे। उन सिंधी क़ौम जेको तोहफ़ो आहे उनखे सार संभाल लई, अहिड़े क़िस्म जा जेके प्रोग्राम आहिनि ऐं ॿारहों ई महीना सिंध जी कुंड कुड़छ में ऐं मुख़्तलिफ़ सूबनि में वञी करे पंहिंजो पैगाम, पंहिंजो नज़रियो, पंहिंजी वाट वञी माण्हुनि ताईं उहो पैगाम रसाए थी, माण्हुनि खे गॾु करे थी, इहो आहे फ़िक्रे पली जो। पर हीउ हिकिड़ो अहिड़ो पलीजो साहिबु, अहिड़ो हिकिड़ो सियासतदान आहे जेको घणो पढ़ियो रहियो, घणो पढ़ियो माण्हू रहियो, घणो पढ़ियो शख़्स रहियो, जंहिं जो इल्मु ॾाढो वसीउ रहियो, फ़लसफ़ो सियासत हुजे, फ़लसफ़ो हुजे, अदब हुजे, शाइरी हुजे, मुंहिंजे ख़्याल में त पलीजो साहिब पंहिंजो मिसाल पाण आहे। ॿिए पासे सिंध जे पाणी जे हवाले सां तमामु वॾी पलीजो साहिब जी जुदोजहद आहे। कालाबाग डीएम जी समूरी तहरीक में पलीजो साहिब जो बुनियादी किरदारु आहे। अॼु बि जेको सिंध में शौर जो ॾीओ भरे थो उहो रसूल बख़्श पलीजो साहिब जे करे भरे थो, ख़ासि करे हेठें तबिके में, ऐं हेठि तबिको बीठो आहे ऐं विढ़े थो ऐं मुक़ाबिलो करे थो ऐं सियासी तहरीकूं हलाए थो, उहो पलीजो साहिब जो कमाल आहे। अॼु असीं पलीजो साहिब खे सुर्ख़ सलाम पेश करियूं था। नाज़रीन, जंगशाई वेझो मुग़ल खान पलीजो में एशिया जे लाइ मुदबर दानिश्वर मोहक़ माहिर कानून ऐं लेखक अवामी तहरीक जे सरबराह रसूल पलीजो जी छहीं वर्सी जे हवाले सां मुनक़द कयल जलसे आम में तव्हां शिरकत कंदड़ जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। कैमरामैन शेमीर समीर सां गॾु इस्माइल मेमण, मुग़ल खान पलीजो, ठटो।